हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फोन आया है जो कि है वीवो Y20i और इसके अंदर प्रॉब्लम है वाटर डैमेज। सो फ्रेंड्स, कस्टमर ने बताया है कि फोन कुएं में गिरा हुआ है और ये किसी दुकानदार से मेरे पास आया है, वो बंदा इसको ठीक नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये फोन आया है Y20i और इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि ऑन नहीं हो पा रहा है। डेड फोन आया है, वाटर डैमेज था और किसी बंदे ने इसको देखा भी है, ये किसी अदर शॉप से मेरे पास आया है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे इसको फॉल्ट को हम फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा फोन जो है ओपन है और हम इसमें सबसे पहले हमारे मल्टीमीटर में इसकी रीडिंग चेक करेंगे डायोड मोड पे रखकर और देखेंगे कि इस क्या बता रहा है रीडिंग। तो पहले हम इसका, सो फ्रेंड्स, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि ये 4x0 बता रहा है और सेकंड पॉइंट पे हम लगा के देखते हैं इसके प्लस पॉजिटिव पॉइंट पे लगाते हैं हम इसके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ये 0 ही बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके दोनों पॉइंट जो हैं शॉर्ट हो रहे हैं और ये फुल शॉर्ट फोन है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे रिपेयर किया जाता है और कैसे इसके फॉल्ट को फाइंड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे होममेड शॉर्ट किलर से इसकी फॉल्ट की फाइंडिंग करेंगे और देखेंगे फुल शॉर्ट है तो कहाँ पे ये गर्म हो रहा है। इस पर रोजिन का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा हैंडमेड शॉर्ट किलर है जो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है और इसे हमने एक बैटरी से बनाया है। जो ब्लैक प्रोब है इसकी, उसे हम ग्राउंड पे रखेंगे और जो पॉजिटिव है, रेड वाली पॉट होती है, उससे हम इसको बैटरी के पॉजिटिव पे शॉर्ट करेंगे कि कहां से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि गर्म कहां से हो रहा है। मुझे यहां से ये गर्म लग रहा है, नेटवर्क सेक्शन में से। चलो आइए इसका नेटवर्क सेक्शन को फाइंड, नेटवर्क सेक्शन पे हम रोजिन लगाएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से हीट कर रहा है और कहाँ इसका कुछ कौन सा पार्ट जो है इसका फॉल्ट है। सो अब फ्रेंड्स, हम रोजिन लगाएंगे बंद। सो फ्रेंड्स, हमने इस पे अपना रोजिन लगा दिया है और अब हम इस पे हमारे होममेड शॉर्ट किलर से इसको इसके पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो हमने इसका जो ब्लैक वाला प्रोब है वो रख दिया है ग्राउंड पर और रेड वाले प्रोब से हम इस पे प्लस के पॉइंट पर, पॉजिटिव के पॉइंट पर हम इस पे करंट देंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस एरिया पर इसने ये रोजिन हट गया है। सो फ्रेंड्स, आइए इसको देखते हैं कि क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है। सो फ्रेंड्स, अब हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मल्टीमीटर में एक साइड 4x0 दे रहा है और दूसरी साइड भी हम देखेंगे तो जो दूसरी साइड हमने लगाया है, दूसरी साइड भी वापिस बताओ। सो फ्रेंड, दूसरी साइड भी ये 4x0 ही दे रहा है। सो हम इस कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे। इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर देंगे और देखते हैं कि हमारा फोन ऑन होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर डैमेज हैंडसेट था।
कुएं में गिरा हुआ हैंडसेट था, ये कुएं में गिर चुका था, बंदा बता रहा था कि कुएं में गिरा था। सो फ्रेंड्स हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी सॉर्टिंग चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है या नहीं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मल रीडिंग आ गई है एक साइड, और इसको पलट कर देखते हैं। पलट कर देखने पर भी फ्रेंड्स, पलट कर देखने पर भी इसकी जो मल्टीमीटर की रीडिंग है वो नॉर्मल हो चुकी है। सो फ्रेंड्स अब हम बोर्ड को क्लीन कर लेंगे पेट्रोल की मदद से, और इसको क्लीन करने के बाद इसको ऑन करके देखेंगे कि फोन हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। सो फ्रेंड्स अब हम इसको असेंबल कर लेंगे और देखते हैं कि फोन हमारा ऑन होता है या नहीं। है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जो कि ये एक वाटर डैमेज हैंडसेट था, वो पानी में गिरा हुआ था, और हमने इसको हमारे होममेड शॉर्ट किलर की मदद से इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है, और हमारा फोन 100% हमारे फोन की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुकी है। ये है हमारा वो शॉर्ट किलर जिससे हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स जो फोन हमारे पास आया था वीवो Y20i, उसे हमने हमारे होममेड शॉर्ट किलर की मदद से सॉल्व कर दिया है। वो फुल शॉर्ट फोन था और उसके अंदर एक कैपेसिटर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल में। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। We'll be right back.